ट्रस्ट में, इवन इफ यू आर अ प्रो ट्रेडर, फिर भी आप लोगों को आज की क्लास पूरी अटेंड करनी चाहिए, नहीं अटेंड करोगे आप लोगों का करोड़ों का नुकसान है। हेलो गाइस, दिस इज राम कड़े एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल निंजा ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज की इस पूरी क्लास में हम लोग एक पावरफुल टॉपिक को कंडक्ट करने वाले, दैट इज 31 कैंडलस्टिक पैटर्न विच नोबडी टॉक्स अबाउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो वंस अगेन वेलकम बैक क्लास। सो इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने मेजर थ्री टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे। नाउ इन्हीं थ्री मेजर कैंडलस्टिक से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे के सारे पैटर्न्स इन्हीं थ्री मेजर कैंडलस्टिक से डिराइव होते हैं, इन्हें मदर ऑफ ऑल कैंडल्स भी बोला जाता है। नाउ आगे हम लोग देखेंगे 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन उन्हें समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किस लिए किया जाता है। वेल, इन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज हमारे ट्रेड के एंट्री के लिए किया जाता है, कई बार हमारे ट्रेड के एग्जिट के लिए भी किया जाता है, और हमारे स्टॉप लॉस सेट करने के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है यू डोंट मेक मनी व्हेन यू एंटर द मार्केट, एक्चुअली यू मेक मनी व्हेन यू एग्जिट द मार्केट। जब आपने बाय कर लिया और सक्सेसफुली उसे प्रॉफिट में सेल कर दिया, आप तब प्रॉफिट बनाते हो। सो इसी के लिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज हमारे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के लिए किस तरीके से करना है, हम लोग वो देखते हैं। सो मैंने आप सभी लोगों के सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का एक चार्ट शुरू किया हुआ है, और हम लोग समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आप यहां पे एक हैमर कैंडल देख रहे हो। नाउ इसकी पहली क्लास में हम लोग ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, बेसिक तो सीख ही चुके हैं। इंगल्फिंग कैंडल हम लोगों ने सीखा और हैमर कैंडल के बारे में सीखा। सो हैमर कैंडल हम लोगों को क्या दिखाता है, हैमर कैंडल हम लोगों को एक लोअर प्राइस रिजेक्शन दिखाता है, मतलब नीचे के लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ। सो पॉसिबल डायरेक्शन वो हम लोगों ने देखा था कि अपसाइड की हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल यहां पे देख रहे हैं हम लोग 9:15 पे पहली 5 मिनट की कैंडल एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब सिंपल होना चाहिए कि हम लोगों को यहां पे एंटर करना है, मतलब वी हैव टू बाय। हम लोगों ने यहां पे अभी एंट्री किया। सो ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हो ऊपर का, नाउ दिस इज आवर प्रॉफिटेबल एरिया, मतलब जब तक मार्केट इस ग्रीन एरिया में अपसाइड में जा रहा है हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। क्या होगा अगर मार्केट यहां से रेड एरिया में शुरू होना आना शुरू हुआ, मतलब क्या, मतलब हमारे स्क्रीन पे हमें लॉस दिखाना शुरू करेगा, हम लॉस में जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जहां पे खरीदा था उस लेवल के मार्केट नीचे जा रहा है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज हमारे एंट्रीज के लिए भी होता है, मार्केट में एग्जिट के लिए भी होता है, और स्टॉप लॉस के लिए भी होता है। नाउ व्हाट इज द स्टॉप लॉस, देखिए हम लोग वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट की डिटेल में क्लास करेंगे आने वाले फ्यूचर में, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं, इससे हम लोगों को एंट्री और एग्जिट कहां करें इसका एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। सो एट द सेम टाइम हमें यह भी सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कहां पे प्लान करना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है ये, नेवर एंटर द ट्रेड विदाउट सेटिंग योर स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप इस रेड कलर के एरिया को देख रहे हो, मार्केट अगर इसके नीचे आना शुरू होता है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हैमर कैंडल आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं इसमें, ऑलराइट इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे। ये हैमर कैंडल का जो आप लो पॉइंट देख रहे हो यहां पे, ये लो पॉइंट, इस लो पॉइंट के नीचे हम लोग अपने लॉसेस को कट कर देंगे, मतलब अगर मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू करता है सो हम लोग हार्डली इस लेवल तक का वेट करेंगे, अगर इस लेवल से नीचे मार्केट जाता है तो हम अपने लॉस को बुक कर लेंगे और उस ट्रेड को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया सो मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू होगा और इस पॉइंट के नीचे जाने के बाद में वो कितना नीचे जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, वो तब तक के भी नीचे जा सकता है जब तक आपका पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए। So, इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सेट द स्टॉप लॉस। क्यों सेट किया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल देखो क्या मतलब था हैमर कैंडल का, हैमर कैंडल का मतलब फंक्शन सिंपल था कि ये बनने के बाद में मार्केट अपसाइड में जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तो यहां से नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एनालिसिस की थी वो गलत हो चुकी है, और अगर हमारी एनालिसिस गलत हो चुकी है सो मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाएगा, नोबडी नोस।
कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में, कुछ प्रजाति ऐसी पाई जाती है मार्केट में, वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उन लोगों को लगता है हाँ कुछ नहीं हुआ, मार्केट हमारे लॉस एरिया में जाना शुरू हुआ ना, कीप द पेशेंस, मार्केट में जो पेशेंस रखता है वही जीतता है। ऐसे सोचने वाले लोगों की एक्चुअली कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है, 20% ऑफ द टाइम तो मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगा, और वो लोग सोचेंगे कि जब मार्केट मेरे प्राइस पे आ जाएगा तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में कट कर दूंगा अपने ट्रेड को। 20% ऑफ द टाइम ऐसा होता भी है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम होगा क्या, वो जाना शुरू करेगा आपके अगेंस्ट में, और वो तब तक जाएगा अकाउंट जब तक आपका खाली ना हो जाए, वो तब तक चलते रहेगा। सो इसीलिए इट्स बेटर टू बुक द स्मॉल लॉसेस एज कंपेयर टू द बिग लॉसेस। सो इसलिए हम लोगों को स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। ऑलराइट, सो कुछ दो तीन एग्जांपल के साथ में देखते हैं कि हमारा एंट्री क्या रहेगा, एग्जिट क्या कैसे हो सकता है। वेल, एग्जिट तो हम लोग काफी बाद में सीखेंगे आने वाली कमिंग क्लासेस में। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग सिंपली वो क्या कहना चाहते हैं कि कहां पे एंटर करो और आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, बस ये पहले आज की क्लास में देखेंगे, फिर उसके आगे के क्लास में हम लोग सारे देखेंगे एग्जिट कैसे करें। ऑलराइट, सो यहां पे हम लोगों ने एंट्री किया, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस, और हम अपने प्रॉफिट के लिए इसको रन होने देंगे। पहली कंडी, पहला ट्रेड था ये हमारा। ओके, सो थोड़ा सा और कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ लेट्स विल सी। ऑलराइट, दिस इज अ गुड एग्जांपल। आप लोग अगर यहां पे देख पा रहे हो, यहाँ पे काइंड ऑफ एक बेरिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनी हुई है। सो हम लोगों को ये कैंडल क्या कह रही है, ये कैंडल सिंपली बोलती है कि आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, इस कैंडल के हाई पॉइंट के जस्ट अबव में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप नीचे अपने प्रॉफिट्स के लिए इस ट्रेड को रन होने दे सकते हो। नाउ ऐसा क्यों है, हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इस इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर क्यों सेट किया? दोबारा दूसरे एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या था? मतलब यह था कि मार्केट को यहां से नीचे जाना चाहिए, लेकिन गलती से, मैं बता रहा हूं आप लोगों को व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग द स्टॉप लॉस, लेकिन गलती से मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करता है और उस लॉ को, उस रूल को ब्रेक कर देता है। कौन सा रूल था? कि बेरिश इंगल्फिंग बनने के बाद में मार्केट तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट उस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की हाई के भी ऊपर निकल जाता है, तो हम लोग अपने लॉसेस को यहां पे लेकर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। नहीं करेंगे सो ये मार्केट यहां से कितना ऊपर जाएगा, नोबडी नोस। वो तब तक के भी ऊपर जा सकता है जब तक आपका अकाउंट खाली ना कर दे, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे शॉर्ट साइड का, सेल साइड का ट्रेड को प्लान किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू टेक द स्टॉप लॉसेस। सो मैंने आप लोगों को इस एग्जाम्पल के साथ में ये समझाने की कोशिश करी कि कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोगों को कुछ इस तरीके से एंट्रीज देते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को एक स्टॉप लॉस प्लान करने का भी वो एक इंडिकेशन देते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। वेल, थोड़ा सा अभी आप लोगों को इसको समझने की कोशिश करनी है, आने वाले और एक दो तीन क्लासेस जब हम लोग कंडक्ट कर लेंगे, जब हम लोग ये सीख लेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ वैल्यूज, कैसे किस तरीके से प्लान करना है ये हम लोग सीख लेंगे, तो आप लोगों को ये चीजें धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो हमारा सबसे पहला पैटर्न कौन सा होगा, दैट इज पियर्सिंग लाइन पैटर्न। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये डायग्राम दिखा रहा है पियर्सिंग लाइन पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, लेकिन अचानक से क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन होती है और ग्रीन कलर की फॉर्म होके प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर में जाके क्लोज होती है, दैट इज कॉल्ड एज पियर्सिंग लाइन पैटर्न। नाउ समझना, ये गैप डाउन कैसे खुली, कैसे समझेंगे हम लोग? आप लोगों ने ऑलरेडी ओपन हाई लो क्लोज इस फॉर्मेशन को आप लोगों ने पढ़ा है। सो देखो, रेड कलर की कैंडल बनी, मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में क्लोज हुआ ना, तभी तो जाके रेड कलर की कैंडल बनी। सो मार्केट ऊपर, जस्ट अ सेकेंड, आई विल चेंज द कलर। हाँ, मार्केट ऊपर से शुरू हुआ, नीचे क्लोज हुआ। इस बार में भी क्या हुआ, इस कैंडल के टाइम पे भी मार्केट ऊपर शुरू हुआ, नीचे क्लोज हुआ। इस बार में भी ऊपर शुरू हुआ, नीचे क्लोज हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ, देखो यहां मार्केट का क्लोज है, ओपन लो हाई क्लोज के हिसाब से कौन सा होगा, बॉडी क्या दिखाती है, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस। सो यहां अगर देखोगे इस रेड कैंडल का, ये वाला पॉइंट है ओपनिंग प्राइस और ये वाला पॉइंट है क्लोजिंग प्राइस। अब गैप डाउन खुला, मतलब क्या हुआ, देखो नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन कलर की है, मतलब क्या, नीचे खुली कैंडल और ऊपर जाके क्लोज हुई, तभी तो कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म हुई है ना। तो बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस।
सो इसका मतलब क्या, ये यहां पे देखो ओपन हुआ है और ग्रीन कलर का है, मतलब यहां ऊपर में ये क्लोज हुआ है। मतलब देखो यहां कैंडल क्लोज हुआ था प्रीवियस कैंडल और सीधा देखो कितना नीचे जाके खुला, इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपन। ऑलराइट, सो गैप डाउन ओपन होती है और ऊपर जाके जो पहली कैंडल थी, इसके पहली वाली रेड कलर की कैंडल, उसके 50% के ऊपर जाके वहीं पे क्लोज हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज पियर्सिंग लाइन पैटर्न। सो अगर ऐसे काइंड ऑफ पैटर्न अगर बनता है मार्केट में, सो पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की हमेशा अपसाइड की रहती है। नाउ इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है कि ये जो पैटर्न है वो लगभग लगभग डेली टाइम फ्रेम पे बनता है। इंट्राडे में आपको ऐसे पैटर्न थोड़े से कम दिखाई देंगे, लेकिन क्या होता है ये जो डेली टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल एक एक दिन का बन रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये कैंडल बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ में भी दिखाऊंगा। सो क्या बोल रहा है, यहां से मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड की है। दूसरा, इसका उल्टा, इसको हम लोग बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर, इसका उल्टा एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक अपसाइड में, अप ट्रेंड में, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और ऊपर जाते जाते नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप ओपन होके वो नीचे उतरना शुरू करती है और जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसके बॉडी के 50% के नीचे जाके क्लोज करती है, एग्जैक्टली अपोजिट पियर्सिंग लाइन का। सो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउनसाइड में होगी। वेल, इन दोनों जगह पे हम लोगों का ट्रेड कहां पे बनेगा और स्टॉप लॉस कहां पे बनेगा? आज हम लोग एग्जिट के बारे में नहीं सीख रहे, आज हम लोग सबसे पहले आधी चीज सीख रहे हैं, एंट्री कहां पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पे होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो यहां पे आपका अगर एंट्री हो गई इसके क्लोजिंग कैंडल पे, सो इस कैंडल का जो ये लो पॉइंट है ना, सबसे लो पॉइंट, इसके ठीक नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और हम लोग अपने प्रॉफिट को इस डायरेक्शन पे रन होने के लिए जाने दे सकते हैं। एट द सेम टाइम डार्क क्लाउड कवर का कहां पे होना चाहिए हमारा एंट्री, ये जब कैंडल क्लोज हो चुकी थी 50% के नीचे तो यहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, इस पॉइंट का जो हाई है इस पॉइंट के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हम लोग अपने प्रॉफिट को शॉर्ट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए रन करते हुए छोड़ सकते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड हम लोगों की एक नोट समझनी जरूरी है। सो दोस पैटर्न वर्क ओनली 50% ऑफ द टाइम इन इंट्राडे, रेयर पैटर्न मिलेंगे आपको इंट्राडे में, लेकिन बट वी कैन सी दोस पैटर्न वर्किंग 75% ऑफ द टाइम ऑन द डेली टाइम फ्रेम। 75% इसका विन रेट है, मतलब 75% टाइम अगर ये पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बनता है तो ये आपको प्रॉफिट देगा और 25% ऑफ द टाइम ये पैटर्न फेल हो सकता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। सो चलिए हम लोग थोड़े से दूसरे पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अभी कुछ हम लोग इंट्राडे के रिवर्सल पैटर्न्स को हम लोग समझेंगे। सो सबसे पहला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है और अचानक से क्या होता है, रेड रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा था लेकिन एक छोटी सी डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन जाती है। अब देखो जो डोजी कैंडल बनी है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सो ये किसी स्टार की तरह दिखती है, इसे ध्यान से देखोगे तो ये किसी स्टार की तरह दिखती है। एंड नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, अचानक से ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो जाती है नेक्स्ट कैंडल हमारी, और वहां से ये पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अपसाइड की होगी, इसे हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। नाउ इसमें अभी तीन वेराइटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ, सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अ पुअर पैटर्न इंट्राडे में, एंड दिस पैटर्न ओनली वर्क्स 35% ऑफ द टाइम। कैसे, समझते हैं क्या डिफरेंस है। जो प्रीवियस रेड कलर की कैंडल थी, उस कैंडल के बाद में एक स्टार, मतलब एक डोजी कैंडल बनने के बाद में जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, वो अगर प्रीवियस रेड कैंडल के कंपैरिजन में छोटी कैंडल है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पुअर पैटर्न। 35% का इसका सक्सेस रेट है, ज्यादातर टाइम पे ये फेल हो जाता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस ये खा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर पैटर्न बना तो मतलब आपका यहां पे आपका एंट्री होनी चाहिए, आपका यहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप अपने प्रॉफिट को अपसाइड में रन होने के लिए छोड़ सकते हो, इसका ये मतलब हुआ। सो इसका क्या मतलब हुआ फिर पुअर पैटर्न का, अगर आपने यहां पे एंट्री ली, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका नीचे का स्टॉप लॉस है ये ऊपर जाके स्टॉप लॉस को हिट करने का ज्यादा चांस होगा, दैट इज कॉल्ड एज पुअर पैटर्न। सो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट पैटर्न है, ये है मॉडरेट पैटर्न, 60% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे में, जितनी आपकी रेड कलर की कैंडल बनी थी लगभग जो नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी उन दोनों की भी
जो लाइन एंड लेंथ है वो दोनों लगभग सेम रहेगी. सो दैट इज अ मॉडरेट पैटर्न, अच्छा खासा काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ये आपको अच्छे टारगेट्स देगा और कुछ समय ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है. एंड नेक्स्ट पैटर्न है अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, दैट मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसका सक्सेस रेट 87% ऑफ द टाइम ये सही काम करता है. क्या साइन है इसका काम करने का? जो आपकी प्रीवियस रेड कैंडल थी ना, स्टार बनने के बाद में जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है वो प्रीवियस रेड कैंडल से भी बड़ी कैंडल बनती है. सो इट शोज द माइट ऑफ बुल, द पावर ऑफ बुल. आप यहां पे एंटर करने के बाद में अपना स्टॉप लॉस इस स्टार के भी ऊपर, मतलब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके लो के नीचे सेट करके अपने प्रॉफिट को अच्छे खासे रन होने के लिए दे सकते हैं. और अगर इसे काम करना है तो देखना, ये इस ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे आएगा ही नहीं, मार्केट आएगा ही नहीं, इसके पहले ऊपर चला जाएगा. और अगर गलती से इस ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे आ जाता है, 10% ऑफ द टाइम इट कैन हैपन. सो आपको यहीं पे स्टॉप लॉस लेना है. आपको इस स्टार के, मतलब इस डोजी के नीचे अपना स्टॉप लॉस को रखने का जरूरत नहीं है. अगर इस कैंडल के नीचे आया सो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि स्टार के भी नीचे मार्केट चला ही जाएगा. ऑलराइट, सो चलो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं. नेक्स्ट पैटर्न है, इसी का सिमिलर पैटर्न है, बहुत ज्यादा सिमिलर पैटर्न है. बस यहाँ पे अभी क्या डिफरेंस है, मॉर्निंग स्टार की जगह पे ये हैमर पैटर्न, यहाँ पे सिंपली क्या बना है, डोजी की जगह पे एक हैमर बना है. नाउ आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा हैमर का मतलब क्या, मार्केट इज गेटिंग द लोअर प्राइस रिजेक्शन, एलपीआर मार्केट को मिला. सो एग्जांपल के साथ में समझते हैं क्या होगा. मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, और इसे डाउन ट्रेंड में अचानक से क्या होता है, एक हैमर कैंडल बन जाती है. अब देखो डाउन साइड मार्केट में एक हैमर कैंडल बन, मतलब क्या हो रहा है, कहानी समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में. रेड कलर की कैंडल मतलब मार्केट ऊपर खुल रहा है नीचे बंद हो रहा है, ऊपर खुल रहा है नीचे बंद हो रहा है, ऊपर खुल रहा है नीचे बंद हो रहा है. लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, और नीचे जाके वापस मार्केट को यहां पे लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला, शोइंग अ बिग विक, विक दिखा रहा है. मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ और जहां ओपन हुआ था ना, देखो ये हैमर ग्रीन कलर का बना है, जहां ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो गया. दैट शोज द बुल्स आर बैक इन द मार्केट, बुल्स वापस आ चुके हैं मार्केट में. और यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की, अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है सो दैट विल बी आवर कंफर्मेशन कैंडल, यहां पे आपका एंट्री होना चाहिए. स्टॉप लॉस आप यहां पे भी रख सकते हो, और टू बी ऑन अ सेफ साइड आप यहां पे भी रख सकते हो, और अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए अपसाइड में आप अपने ट्रेड को रन कर सकते हो. सो दैट शोज द पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की यहां से अपसाइड में होगी. सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज द हैमर पैटर्न. नाउ 50% ऑफ द टाइम ये पैटर्न काम करता है जो आप नीचे में देख रहे हो. क्यों? इसका एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि यहां पे एक हैमर कैंडल बनी है जो मार्केट में लोअर प्राइस रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. और यहां पे देखोगे तो ये ग्रीन कलर की अगर हैमर बनी तब तो ये और भी अच्छे से काम करेगा, भले ही इसकी जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो थोड़ी सी छोटी ही क्यों ना बनी हो प्रीवियस रेड कैंडल के कंपैरिजन में. सो इसका एफिशिएंसी जस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पे हैमर बना हुआ है, और इसका एफिशिएंसी इसलिए थोड़ा सा कम है क्योंकि यहां पे डोजी बना हुआ है. सो हैमर शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल. सो यहां से ये 50% काम कर सकता है. नेक्स्ट पैटर्न आप देखो, ऑब्जर्व करने की बात है, रेड कैंडल के बराबर ग्रीन कैंडल बनी, 67% ऑफ द टाइम इसका सक्सेस रेट है, और रेड कैंडल से भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है 90% ऑफ द टाइम, ये बड़ा टारगेट देगा आपको, अच्छा काम करेगा. सो इसी का और एक सिमिलर पैटर्न है, दैट इज अ ग्रीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल. अब समझना ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है. फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है और एक इन्वर्टेड ग्रीन हैमर कैंडल बनती है. इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो यहां तक की कहानी को समझते हैं. रेड कैंडल बनी मतलब मार्केट ऊपर चालू हुआ नीचे क्लोज हुआ, ऊपर चालू हुआ नीचे क्लोज हुआ, ऊपर चालू हुआ नीचे क्लोज हुआ. लेकिन इस बार क्या हुआ, ग्रीन हैमर कैंडल, मतलब क्या, लेकिन अगली बार मार्केट क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनी है मतलब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है. मार्केट कहीं पे यहां ओपन हुआ, ऊपर गया, बुल्स ने जबरदस्त कोशिश करी, अभी तक की तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था लेकिन बुल्स ने एक बार ऊपर पुश किया, और लेकिन बेयर्स ने अपनी ताकत लगाकर मार्केट को वापस नीचे ढकेल दिया. लेकिन एक गौर ध्यान देने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, क्या है, ये कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म हुई है. मतलब क्या, मतलब कैंडल जहां ओपन हुई थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट. इसका मतलब बुल्स ने पावर लगाई है, द बुल्स आर बैक इन द मार्केट. और नेक्स्ट कैंडल भी अगर ग्रीन बनती है सो दैट्स आवर
कंफर्मेशन कैंडल और इसके बाद में मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड की रहेगी। सो एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखना डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक इन्वर्टेड ग्रीन कलर की हैमर बन जाए, मतलब क्या, ये वीक आपको दिखा रहा है ना, एक बार बुल्स ने अचानक से एक बार कोशिश करी मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन बेयर्स के प्रेशर के कारण मार्केट नीचे तो आया लेकिन ग्रीन कलर की हैमर बनी, मतलब मार्केट जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर साइड में क्लोज हुआ है। बुल्स आर बैक इन द मार्केट, सो पॉसिबल डायरेक्शन यहां से अपसाइड की होगी। वेल, जिस तरीके से इसके तीन पैटर्न हम लोगों ने देखे, पुअर, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से इन तीन कैंडलस्टिक का भी फॉर्मेशन होगा और उसी तरीके से उनके पुअर, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी रहेंगे। लेकिन अभी समझते हैं, अब हैमर कैंडल का थोड़ा फंक्शन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी इस बार क्या होता है, ग्रीन कलर की हैमर की जगह रेड कलर की हैमर बन जाती है। अब क्या होगा, अब रेड कलर की हैमर बनी, मतलब क्या हुआ, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ऊपर गया, बुल्स ने कोशिश करी लेकिन बेयर्स ने पावर लगा के मार्केट को नीचे धकेल दिया। और कहां तक नीचे धकेल दिया, जहां ओपन हुआ था ना उसके नीचे जाके क्लोज हो गया मार्केट, तभी तो जाके ना रेड कलर की हैमर कैंडल बनी है। सो दैट शोज बेयरिश कंटिन्यूएशन, मतलब यहां से मार्केट और नीचे जाएगा, कंटिन्यू नीचे चला जाएगा। सो ये डिफरेंस होता है डाउन ट्रेंड में ग्रीन हैमर बन जाए और रेड कलर की हैमर बन जाए तो। सो अगर रेड कलर की हैमर बनी, सो इट शोज द बेरिश कंटिन्यूएशन, ऑलराइट। लेकिन अगर मान के चलते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और अब इस बार इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने, व्हाट इट शोज, अप ट्रेंड में है और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, दैट शोज द मार्केट इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, शोइंग यू द HPR, हायर प्राइस रिजेक्शन, जहां से मार्केट को रिवर्स होने का पॉसिबिलिटीज है। तो ये समझना, थोड़ा सा इस वीडियो को वापस से रिप्ले करना और इतने पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझना, ताकि आप लोगों को प्रॉपर हैमर कब कौन कहां बनता है, तो इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसको समझना हम लोगों को थोड़ा सा आसान पड़ जाए। सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार। जो मॉर्निंग स्टार देखा हम लोगों ने उसका जस्ट उल्टा ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, एक अच्छे अप ट्रेंड में, और अचानक से क्या होता है, एक स्टार बन जाता है ऊपर में, मतलब एक डोजी बनता है। ये देखो, ये डोजी एक स्टार की तरह दिख रही है और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की बनती है। सो पॉसिबल नाउ दिस थ्री कैंडल पैटर्न इज कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार पैटर्न, एंड इसके बाद में पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड की होगी। सो दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इसमें भी वही तीन पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलते कि रेड वाली कैंडल अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल से छोटी बनती है, सो दिस इज अ पुअर पैटर्न ऑफ रिवर्सल, ये मार्केट में बेयरिश रिवर्सल को दिखाता है। क्या होगा इसका मतलब, क्या हो रहा है, वो बोल रहा है हमें कि हम लोग यहां पे एंटर करें, हमारा स्टॉप लॉस को हम लोग यहां पे रखें और हम शॉर्ट साइड के ट्रेड को रन होने दें, ऑलराइट। सो यहां पे क्या होगा, अगर हम लोगों ने यहां पे एंट्री करी, हमने यहां पे स्टॉप लॉस सेट किया, सो मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार तो ये टारगेट भी दे देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, आपके अगेंस्ट में जा सकता है। सो दिस इज अ पुअर पैटर्न, वर्क्स ओनली 35% ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है मॉडरेट पैटर्न, कैसा रहेगा ये, सिंपल है, जो जितनी हमारी ग्रीन कैंडल बनी थी उसी की इक्विवेलेंट हमारी नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल, यहां हमारी एंट्री हुई, यहां हमारा स्टॉप लॉस, तो 60% ऑफ द टाइम आपको ये प्रॉफिट देगा और कभी कभार ये आपको थोड़ा सा उलझा देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, अगर रेड कैंडल आपके प्रीवियस ग्रीन कैंडल से भी बड़ी बन जाती है 87% ऑफ द टाइम, दैट पैटर्न वर्क्स ब्यूटीफुल एंड इट गिव्स द ग्रेट टारगेट। ऑलराइट, सो आप लोग ये बैक टेस्ट भी कर सकते हो उस पैटर्न्स को देखकर। चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, शूटिंग स्टार। नाउ इवनिंग स्टार का बहुत सिमिलर पैटर्न है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इज नथिंग बट एक इन्वर्टेड अप ट्रेंड में बनी हुई एक रेड कलर की, अप ट्रेंड में बनी हुई एक रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल, दैट इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। टूटते हुए तारे की तरह दिख रही है ये, देखो मतलब मार्केट, देखो एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और अचानक से एक इन्वर्टेड रेड कलर की हैमर बन जाती है, ये आपको एक टूटते तारे की तरह दिख रही है क्या, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ शूटिंग स्टार। नेक्स्ट, अगर आपकी कैंडल रेड बनती है, इट इज अ कंफर्मेशन कैंडल, you can go and enter over here and
आपके शॉर्ट ट्रेड को आप रन होने दे सकते हो, आप यहां पे अपना स्टॉप लॉस को रख सकते हो पहली चीज। या तो अगर एक अप ट्रेंड में, दूसरी पॉसिबिलिटी एक और है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक अप ट्रेंड में रेड कलर की हैमर कैंडल बन जाए तो आप यहां पे भी सेल कर सकते हो। यू पुट योर स्टॉप लॉस जस्ट अबव हाई ऑफ द शूटिंग स्टार एंड यू शुड लेट रन योर प्रॉफिटेबल ट्रेड टू द शॉर्ट साइड। ऑलराइट, सो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन इसकी नीचे की रहेगी। ऑलराइट, सो जैसे प्रीवियस पैटर्न के तीन पैटर्न थे पुअर, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग, उसी तरीके से इसके भी तीनों पैटर्न रहेंगे पुअर, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या डिफरेंस है देखेंगे यहां पे। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि ये वाला जो पुअर पैटर्न भी है ना, ये 50% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहता है। क्यों? क्योंकि एक अप ट्रेंड में मार्केट ने एक रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर बनी है। सो यही दिखाता है कि बेयर्स ने मार्केट, अच्छा रेड कलर की हैमर मतलब क्या, जहां मार्केट ओपन हुआ था ऊपर गया, लेकिन बेयर्स ने प्रेशर दिया मार्केट में, और जहां ओपन हुआ था उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है मार्केट। सो दैट शोज द हायर प्राइस रिजेक्शन, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ दिस पैटर्न, एंड दैट्स व्हाई इवन अगर नेक्स्ट कैंडल अगर छोटी भी बनी पहले ग्रीन कैंडल से, तो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउनसाइड की है। ऑलराइट, सो अगर मान के चलो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल सेम बनती है, सो इसका क्या रहेगा, 67% ऑफ द टाइम ये काम करेगा। और अगर रेड कैंडल अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ी बनती है, आपका एंट्री कहां होगा, आपका एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग पे होगा, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हो, अच्छे खासे शॉर्ट ट्रेड के लिए आप अपने प्रॉफिट को रन करने के लिए छोड़ सकते हो। या तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई मैंने कि एक अप ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए, आपने सिंपली यहां पे सेल किया, यहां पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया इसके हाई के ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर में है ना, और उसके नीचे में आप अपने प्रॉफिट को रन करने के लिए छोड़ सकते हो। सो दैट इज नथिंग बट द शूटिंग स्टार। ये तीनों पैटर्न बड़े सिमिलर है। हैंगिंग मैन ये भी इसे बेरिश रिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों पैटर्न बहुत ज्यादा सिमिलर है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। सो अब यहां पे मार्केट फॉर एग्जाम्पल, हैंगिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। मार्केट फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, लेकिन उस अप ट्रेंड में क्या होता है ना, एक रेड कलर की सिंपल हैमर कैंडल बन जाती है। अब यहां पे आप देखोगे सो एक लटकता हुआ आदमी की तरह ये दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ हैंगिंग मैन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैंगिंग मैन पैटर्न। तो यहां पे इसकी पॉसिबल डायरेक्शन डाउन साइड की है। यहां पे मैंने बात लिखी हुई, देखो क्या बोल रहा है, रेड कलर की हैमर कैंडल बन रही है इन अप ट्रेंड में मार्केट में। सो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं कि पॉसिबल डायरेक्शन यहां से मार्केट की डाउन साइड की क्यों है। अप ट्रेंड में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, मतलब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे शुरू हो रहा है ऊपर में क्लोज हो रहा है, मार्केट नीचे शुरू हो रहा है ऊपर में क्लोज हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, रेड कलर की हैमर बनी है, मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो खुला बुलिश प्रेशर के कारण, लेकिन ये विक दिखा रही है कि मार्केट एक बार नीचे आया था, और नीचे आके जब नीचे आया तो डेफिनेटली यहां पे मार्केट को एक लोअर प्राइस रिजेक्शन तो मिला, तभी तो जाके मार्केट नीचे आके ऊपर जाना शुरू हुआ ना, शोइंग यू द विक। लेकिन ऊपर जाके मार्केट जहां ओपन हुआ था ना उसके नीचे ही क्लोज हो गया, शोइंग यू द रेड हैमर कैंडल। मतलब अभी तक के ऊपर जा रहा था मार्केट, इस हैमर कैंडल के टाइम पे भी मार्केट ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलते ही नीचे आने लग गया, दैट शोज द बेयर्स आर बैक इन द मार्केट। लेकिन जब नीचे आया तो बुल्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया, मार्केट को ऊपर तो पुश किया लेकिन बुल्स में इतनी ताकत नहीं थी कि जहां मार्केट ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज करे, उसके नीचे ही क्लोज हो गया। शोज द बियर्स आर मोर पावरफुल देन द बुल्स। सो दैट्स व्हाई यहां से मार्केट की जो नेक्स्ट पॉसिबल डायरेक्शन रहेगी वो डाउनसाइड की रहेगी। ऑलराइट, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझते हैं। अब यहीं पे अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन इस बार क्या होती है ना, रेड कैंडल की जगह अगर ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बन जाती तो क्या होता, समझने वाली बातें। ग्रीन कलर की हैमर कैंडल हुई मतलब क्या, मार्केट खुला, लोअर विक क्या दिखा रही है, मार्केट नीचे आया लेकिन बुल्स ने पावर लगाई, मार्केट ऊपर गया। ग्रीन कलर का हैमर कैंडल आपको दिखा रहा है कि मार्केट जहां खुला था उसके भी ऊपर जाके क्लोज हो गया है मार्केट, एंड दैट शोज, देखो मार्केट यहां खुला नीचे आया और जहां खुला था उसके भी ऊपर जाके क्लोज हो गया कुछ इस तरीके से, एंड दैट शोज अ हेवी बुलिश प्रेशर, द माइट ऑफ बुल्स, एंड यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अपसाइड की रह सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मिंग द रेड हैमर कैंडल एंड द ग्रीन हैमर कैंडल इन द अप ट्रेंड। ऑलराइट, सो अभी थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन
एट द सेम टाइम अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता और फिर कोई भी हैमर कैंडल बन जाए, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, इसका मतलब क्या हुआ? दैट शोज द बुलिश रिवर्सल, मतलब यहां से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड का है. क्यों? बिकॉज दोज हैमर शोज द लोअर प्राइस रिजेक्शन एंड दैट्स वाई यहां पे मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड जा सकता है. तो आपको क्या करना है, मेनली ये जो मैंने 6 पैटर्न बताए दोज वेर द रिवर्सल पैटर्न्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है और सभी को देखना है कि मैंने कौन से टाइम पे क्या बोला था, और वैलिडेट करना है और समझने की कोशिश करना है कि सारे रिवर्सल पैटर्न्स काम कैसे करते हैं. सो अभी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मैं बढ़ते हैं. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द बुलिश इंगल्फिंग एंड द बेरिश इंगल्फिंग. मैं ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपको बस समझना है ये पैटर्न ऑलरेडी कैसे बनता है. इससे पहली क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बड़ी कलर की ग्रीन कैंडल बन जाए एक छोटे रेड कैंडल के सामने, सो दैट इज कॉल्ड एज द बुलिश इंगल्फिंग. या तो एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए एक छोटे ग्रीन कैंडल के सामने, दैट इज कॉल्ड एज द बेरिश इंगल्फिंग. क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सिंपली ग्रीन कलर की कैंडल इंगल्फ कर ले रही है अपने अंदर में, उसे एब्जॉर्ब कर कंज्यूम कर ले रही है उसके अंदर में, मतलब उससे बड़ी बन रही है. उसकी लो पॉइंट भी बड़ा था, मतलब नीचे था, और हाई पॉइंट भी उसका जहां पे वो प्रीवियस कैंडल थी उसके ऊपर में. सो दैट इज कॉल्ड एज द इंगल्फिंग पैटर्न. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डाउन ट्रेंड में बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए जो प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर में इंगल्फ कर दे, सो पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट के यहां से अपसाइड करेगी. एट द सेम टाइम एक अप ट्रेंड में अगर एक रेड कलर की बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाए, सो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड की रहेगी. सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, इसी का डिराइव्ड पैटर्न, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज व्हाइट मोरबोसो एंड ब्लैक मोरबोसो. मतलब क्या है, सिंपल, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है. फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड में या फिर एक पहले व्हाइट मोरबोसो का ले लेते हैं. एक डाउन ट्रेंड में एक अगर बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए जिसको लगभग विक्स नहीं है, इसका ओपन इज इक्वल्स टू लो था, हाई इज इक्वल्स टू क्लोज था, उसमें विक्स है ही नहीं, दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स, एंड यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अपसाइड की रहेगी. ब्लैक मोरबोसो का क्या होगा या फिर रेड मोरबोसो का क्या होगा, एक अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ था और उसने क्या किया, एक बिना विक वाली एक पावरफुल बेरिश कैंडल को बना दिया, सो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड करेगी. सो दैट इज नथिंग बट द ब्लैक मोरबोसो. नाउ नेक्स्ट, इसी का डिराइव्ड एक वर्जन है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पैटर्न है ये और बहुत अच्छे से काम भी करता है, ये थोड़ा सा नया है. दैट इज नथिंग बट द ट्विजर बॉटम पैटर्न. नाउ क्या होता है ये ट्विजर बॉटम, कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में और अचानक से क्या होता है, जहां पे अभी मार्केट क्लोज हुआ था, मतलब अभी जो कैंडल फॉर्म हुई थी, नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, जहां मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन होती है और उसके ऊपर, मतलब ऊपर जाके क्लोज दे देती है. कॉमन एक ही बात है यहां पे, समझने वाली बात, जहां ये मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हुई और मार्केट सीधा ऊपर चलना शुरू करता है. सो दैट इज नथिंग बट द ट्विजर बॉटम पैटर्न, और यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अपसाइड की रहेगी. नाउ यहां पे देखो, ट्विजर बॉटम हैज द सेम लो. This pattern should form during the downtrend of the market for reversal, market reversal. All right. So, यहाँ पे देखना, मैंने कुछ examples दिए हुए, ये सारे के सारे tweezer bottom के examples हैं. अब देखो, for example, market नीचे आ रहा था, same low, मतलब जहां पे market close हुआ था वहीं से open हुआ और ऊपर चलने लगा, मतलब दोनों का bottom same है, तो ये भी tweezer bottom का formation है. अगर मान के चलते market downside में था और सेम लो से मार्केट रिवर्स हो जाता है और ऊपर चलने लगता है, लेकिन मार्केट प्रीवियस कैंडल के नीचे ही क्लोज हो जाता है, तो भी ट्विजर बॉटम पैटर्न है, तो भी इसकी पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड की है. सेम मार्केट नीचे आ रहा है, सेम बॉटम से मार्केट रिवर्स हो जाता है और ऊपर जाता है. नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ मोरबोसो पैटर्न विथ इंगल्फिंग पैटर्न. इंगल्फिंग पैटर्न टाइप में भी है, मोरबोसो पैटर्न भी है. मोरबोसो इसलिए क्योंकि इसमें कोई विक नहीं है. सो बट यहां पे एक कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का जो बॉटम है वो सेम है. सो दैट इज ऑल्सो ट्विजर बॉटम पैटर्न, और यहां से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड का है. चौथा पैटर्न कौन सा है, मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन सेम बॉटम से ऊपर जा रहा है, लेकिन काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, मतलब ये तो छोटी कैंडल है ना प्रीवियस रेड कैंडल से, लेकिन उसके बावजूद भी
पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अपसाइड की है, बिकॉज इनका लो सेम था और एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, मतलब जहां मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पे खुला और सीधा मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, दैट शोज द बुल्स आर बैक इन द मार्केट एंड पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की यहां से अपसाइड करेगी। सो ये चारों एग्जाम्पल है ट्विजर बॉटम के, सो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट, इसका उल्टा ट्विजर टॉप पैटर्न, 14 पैटर्न की तरफ में चलते हैं। नाउ ट्विजर टॉप पैटर्न कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और अचानक से जहां मार्केट अभी क्लोज हुआ था उसी सेम हाई पॉइंट से मार्केट सीधा नीचे की तरफ में ट्रेंड करना शुरू करता है, एक रेड कलर की कैंडल बनाता है। सो दैट इज नथिंग बट द ट्विजर टॉप पैटर्न। यहां से मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन डाउन साइड की रहेगी। यहां पे सिंपल क्या है, अप ट्रेंड में आपका जो हाई पॉइंट था वो सेम था, मतलब मार्केट जहां पे क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हुआ और सीधा मार्केट रेड कलर की कैंडल बनी, मतलब नीचे चलना शुरू हुआ। सो पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की नीचे में होगी। सो कुछ एग्जांपल के साथ में समझाता हूं कि किस किस टाइप के दिख सकते हैं आपको ट्विजर टॉप पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये चार एग्जाम्पल्स हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड में था और उसी सेम लो से ग्रीन कलर की कैंडल बना दिया, दोनों का हाई पॉइंट सेम था, दोनों कैंडल सेम है, ये भी एक पॉसिबल पैटर्न है ट्विजर टॉप का। एक अप ट्रेंड में था मार्केट, उसी सेम पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ, नेक्स्ट टाइम रेड कलर की कैंडल बना के नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो कैंडल है ना रेड कलर की, छोटी कैंडल है ग्रीन कलर से, तो वो भी ये ट्विजर टॉप पैटर्न है, मार्केट नीचे ट्रेंड कर सकता है यहां से। दूसरा, ये एक ब्लैक मारुबोजू या फिर रेड मारुबोजू या फिर बेरिश इंगलफिंग कैंडल तो नहीं बोलेंगे, मारुबोजू कैंडल बोलेंगे, इंगलफिंग कैंडल भी हो सकती है, बस एक ही बात है कि उन दोनों का जो हाई पॉइंट है वो सेम होना चाहिए और ये रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। सो दैट इज नथिंग बट द ट्विजर टॉप पैटर्न। और इवन अगर एक मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहां पे ये कुछ एक ऐसे हैमर कैंडल टाइप में बनती है, रेड कलर की हैमर कैंडल, ऑलराइट, अप ट्रेंड में मार्केट था, दोनों का हाई पॉइंट सेम था और एक रेड कलर की हैमर कैंडल बनती है, सो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउनसाइड की बनेगी। आप लोगों को ना ये पैटर्न याद रखने की जगह पे इसके पीछे का कहानी क्या होगा उसको अगर आप लोग समझ पाए तो आप लोगों को कोई पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट की लैंग्वेज देखकर समझ लोगे कि मार्केट आपको क्या बताना चाह रहा है, मार्केट की ये कैंडल्स आपको क्या स्टोरी बताना चाहते हैं। मैं समझाता हूं इस एग्जांपल से कि यहां पे हो क्या रहा है, क्यों यहां से हम लोग मार्केट में रिवर्सल को एक्सपेक्ट करेंगे। देखो, मार्केट तो ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाते जा रहे हैं, बॉटम साइड में देखना है आप लोगों को, ऑलराइट, और अचानक से क्या होता है, मार्केट जहां पे क्लोज हुआ था, मार्केट नेक्स्ट कैंडल पे वहीं पे एक ओपन तो होता है, मार्केट नीचे जाना शुरू करता है, मतलब क्या, बियर्स आ चुके हैं मार्केट में, बियर्स की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बुल्स तो पहले से थे ना, तो बुल्स ने ऊपर ढकेलना शुरू किया मार्केट को, लेकिन ऊपर ढकेलना जब शुरू किया तो जहां मार्केट ओपन हुआ था ना, ये रेड कैंडल क्या दिखाती है, जहां मार्केट ओपन हुआ था मार्केट ऊपर आना तो शुरू हुआ लेकिन उसके नीचे ही क्लोज हो गया मार्केट, दैट शोज बियर्स ने अच्छा खासा प्रेशर दिया है मार्केट में, अभी तक के तो थे ही नहीं, अभी अचानक से आ गए। सो ये शो करता है कि बेयर्स आर बैक इन द मार्केट, भले ये विक दिखा रही है कि बुल्स ने एक बार कोशिश करी थी बट बुल्स हैव फेल्ड, फेल हो चुके हैं बुल्स, एंड दैट्स व्हाई मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। सो ये लॉजिक समझना जरूरी है जो कैंडल्स आपको कहानी बताते हैं, अगर आप लोग वो समझ चुके हैं तो फिर आप लोगों को ये पैटर्न्स के अगर नाम याद भी ना हो तो भी आप सिंपली एक कैंडल्स का कैसा फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखकर आप मार्केट में डिसाइड कर पाओगे कि कहां से आपकी एंट्री होनी चाहिए और कहां पे आपका स्टॉप लॉस। ये ट्विजर टॉप पे आपकी एंट्री कहां होनी चाहिए, ये जैसी कैंडल बनी यहां पे आपने एंटर कर लिया, इसके हाई पॉइंट के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस और हम लोग शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए हम लोग इस ट्रेड को रन होने के लिए चलने दे सकते हैं। सो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ में बढ़ते हैं हमारे। सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ऑन नेक पैटर्न, इसे बुलिश काउंटर अटैक भी बोलते हैं। नाउ आप लोगों को एक बात याद रखनी है, हम लोग अभी तक के जितने भी पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ये लगभग इंट्राडे में बहुत अच्छा, मतलब हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं और ये मेनली रिवर्सल पैटर्न्स है ना, कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकते हैं। सो ये भी समझना जरूरी कि रिवर्सल पैटर्न हमारे एग्जिट करने के काम में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बाय साइड में बने हो, मतलब एक बाइंग साइड के ट्रेड में हो, अचानक से आपको एक इवनिंग स्टार दिखाई दे या फिर शूटिंग स्टार दिखाई दे तो वहां पे अपने ट्रेड को आप कट कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं इस काम में भी आता है। सो इसलिए दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न। सो चलो ऑन नेक पैटर्न को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा।
फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक नोट है यहां पे, नाउ दिस पैटर्न मेनली फॉर्म्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ये इंट्रा डे में थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन फिर भी डेली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करते हैं, हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग एनालाइज करना सीख गए तो हम इससे ये समझ सकते कि मार्केट एक लॉन्ग होराइजन में अगर अप ट्रेंड में तो हम लोग हमेशा बाय साइड के ट्रेड्स को देखेंगे, या फिर अगर लॉन्ग होराइजन में मतलब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में, तो हम लोग इंट्राडे में भी हमेशा सेल साइड के ट्रेड्स को ही प्लान करेंगे. सो नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द हाइयर टाइम फ्रेम एनालिसिस. फॉर एग्जांपल ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है. फॉर एग्जांपल मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, और अचानक से क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन होती है. गैप डाउन ओपन तो होती है, दैट शोज द पावर ऑफ बियर्स. लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है. I'll show you. देखो रेड कैंडल बनी मतलब मार्केट ऊपर खुला नीचे क्लोज हुआ, ऊपर खुला नीचे क्लोज हुआ, ऊपर खुला नीचे क्लोज हुआ, लेकिन ऊपर खुला नीचे क्लोज हुआ. लेकिन इस बार क्या हुआ ना, देखो मार्केट का ये रेड कैंडल का ये क्लोजिंग है, रेड कैंडल मतलब नीचे वाला क्लोजिंग पॉइंट है, और ये ग्रीन कैंडल है, मतलब क्या मार्केट नीचे खुला ऊपर में क्लोज हुआ, तभी तो कैंडल ग्रीन कलर की बनी ना. सो इसका जो ओपनिंग प्राइस है देखो नीचे में है, यहां पे मार्केट ओपन हुआ. लास्ट टाइम मार्केट क्लोज कहां हुआ था, यहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, यहां क्लोज हुआ और सीधा यहां पे ओपन हो गया मार्केट. इसको बोलते हैं गैप डाउन खुलना. मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन क्या होता है मार्केट गैप डाउन ओपन होके ऊपर चलने लगता है, और जहां पे प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ था ना वहीं पे जाके ये क्लोज हो जाता है. तो इसे हम लोग बोलेंगे नेकलाइन, इसको हम लोग बोलेंगे द सेम नेकलाइन. मार्केट गैप डाउन खुला और ऊपर चल के वहीं पे वापस क्लोज हो गया जहां पे प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ था. अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है सो दैट इज कॉल्ड एज ऑन नेक पैटर्न, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न. यहां से मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड की हो सकती है. सो आपका ट्रेड आप कहां पे प्लान कर सकते हो, जैसे नेकलाइन पे यहां पे मार्केट क्लोज हो चुका है गैप डाउन ओपन होके, सो आप सिंपली अपना स्टॉप लॉस को यहां इस ग्रीन कैंडल के नीचे में प्लेस कर सकते हो. इस नेकलाइन पे आपका एंट्री होगा और आप अच्छे खासे अपने बुलिश ट्रेंड को रन कर सकते हो. सो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ में बढ़ते हैं हम लोग. पॉसिबल डायरेक्शन यहां से मार्केट की अपसाइड में रहेगी. नेक्स्ट इसका उल्टा बेरिश ऑन नेक पैटर्न, इसे बेरिश काउंटर अटैक भी बोलते हैं. बेयर्स ने काउंटर अटैक किया मार्केट में. ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है. नाउ फॉर एग्जांपल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, एक अच्छे खासे स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है अचानक से मार्केट एक गैप अप ओपन हो रहा है, और गैप अप ओपन होकर सीधा नीचे गिरना शुरू करता है, और प्रीवियस डे मार्केट जहां पे ओपन हुआ था सॉरी क्लोज हुआ था, प्रीवियस डे यहां पे जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, ये देखो कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई यहां पे. ऊपर तो खुल गया मार्केट लेकिन सीधा नीचे गिरना शुरू हुआ, और जहां पे प्रीवियस डे का मार्केट क्लोज हुआ था उसी सेम नेकलाइन पे मार्केट आके क्लोज हो जाता है. सो दैट इज नथिंग बट द बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न, इसे हम लोग बेरिश ऑन नेक पैटर्न भी बोलेंगे. सो पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की यहां से डाउन साइड की है. नाउ समझना यहां पे ये गैप अप कैसे हुआ. देखो ग्रीन कलर की कैंडल है मतलब मार्केट नीचे खुला ऊपर में क्लोज हो गया. अब रेड कलर की कैंडल है मतलब मार्केट ऊपर खुला था नीचे क्लोज हुआ, तभी तो रेड कलर की कैंडल बनी ना. सो ऊपर हुआ मतलब यहां पे इसका ओपनिंग प्राइस तो ऊपर है, ये मार्केट का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था. देखो सीधा ओपन नेक्स्ट टाइम यहां पे हो गया ऊपर, लेकिन ओपन तो ऊपर हो गया, रेड कलर की कैंडल है मतलब ओपन ऊपर होके सीधा नीचे चलना शुरू किया, और यहां पे नीचे आके क्लोज कर दिया जहां पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट था. सो दैट इज ऑन नेक पैटर्न, बेरिश ऑन नेक पैटर्न. और यहां पे आपका एंट्री कहां पे होगा, यहां पे आप एंट्री ले सकते हो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर में प्लेस करके, आप अपने शॉर्ट ट्रेड को अच्छे खासे रन कर सकते हो. सो दैट इज बेरिश ऑन नेक पैटर्न और बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न. नाउ हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर में बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इनसाइड बार कैंडल. नाउ ये भी एक बहुत मेन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इससे दो चार पैटर्न और भी डिराइव होते हैं. कैसे होगा मैं आप लोगों को समझाता हूं. फॉर एग्जांपल ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इनसाइड बार कैंडल हमेशा दो कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन से होगा, और ये हमेशा एक इसमें कैंडल होगा. दिस बिग कैंडल इज कॉल्ड एज मदर कैंडल, जो भी बड़ी कैंडल है वो मदर कैंडल, और उस कैंडल के इनसाइड में उसके अंदर में एक छोटी कैंडल बनेगी, इसे हम लोग बोलेंगे और बेबी कैंडल. और बेबी कैंडल ये हमारी बेबी कैंडल हो गई, और ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये हमारी
मदर कैंडल हो गई। नाउ अब ये पैटर्न काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अच्छा इसे बुलिश अरामिक पैटर्न भी बोलते हैं, अगर एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बने और उसके इनसाइड में अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर अंदर फॉर्म हुई है ये वाली कैंडल, छोटी कैंडल, सो इसलिए इसे इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं, इसे बुलिश हरामी भी बोलते हैं अगर ये पैटर्न स्पेशली फॉर्म हो एक डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है और एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर में एक छोटी बेबी कैंडल बनी ग्रीन कलर की, इसे हम लोगों ने बोल दिया बुलिश हरामी कैंडल, छोटी ग्रीन कलर की जो कैंडल है। और अब यहां पे मान के चलते हैं मदर कैंडल का जो हाई एंड लो पॉइंट है, अगर मान के चलते हैं कि नेक्स्ट कैंडल मदर कैंडल के जहां पे भी हाई को ब्रेक कर दे, आपकी यहां पे एंट्री होनी चाहिए, मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन यहां से अपसाइड का होगा, स्टॉप लॉस आपको मदर कैंडल के लो के नीचे प्लेस करना चाहिए और आप यहां से अच्छे खासे अपसाइड के लिए मार्केट को रन होने के लिए दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, डायग्राम से समझते हैं, सिम्युलेशन से समझते हैं, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में और अचानक से एक बुलिश हरामी, मतलब देखो ये जो मदर कैंडल है इसके अंदर में ये फॉर्म हुई है इनसाइड में, ऑलराइट, सो इसे उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल अचानक से मदर कैंडल के हाई को अपसाइड में ब्रेक कर देती है, अपसाइड में ब्रेक कर दिया, सो अब इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे थ्री इनसाइड अप, इस पैटर्न को ये भी बोलते हैं। सो आपका डायरेक्टली अब क्या होगा, आप लोगों को यहां पर जैसे ही इसने हाई को तोड़ा, मदर कैंडल की हाई को तोड़ा, यहां पे आपने एंट्री ले ली, मदर कैंडल के लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा और यहां से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड का होगा, सिमुलेशन के साथ में हम लोग देखेंगे यहां से मार्केट अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा सकता है। ऑन द सेम साइड ये नीचे के साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, मदर कैंडल बनी उसके अंदर में एक बुलिश हरामी कैंडल बनी, फिर उसके बाद में हमने मार्क कर दिया मदर कैंडल का लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट, अगर मान के चलते कि नेक्स्ट टाइम एक रेड कैंडल बनती है जो मदर कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, सो आप यहां पे मार्केट को सेल कर सकते हो, जो मदर कैंडल का यहां पे ये हाई पॉइंट है, यहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस पुट करना है, यहां पे अपनी एंट्री पुट करनी है और यहां से मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड की हो सकती है, सिमुलेशन को रन करके अपन देखते हैं। सो ये ट्रेड आप कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो, सो दैट इज इनसाइड बार कैंडल। अच्छा चलो और देख लेते हैं इसका उल्टा क्या होगा, बेरिश हरामी पैटर्न। नाउ बेरिश हरामी पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है, मान के चलो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, ये हमारी मदर कैंडल होगी, ये बड़ी कैंडल हमारी मदर कैंडल होगी और इस मदर कैंडल के अंदर में एक छोटी सी बेबी कैंडल बनती है रेड कलर की जो कि इसके अंदर बनती है, ऑलराइट, और मान के चलते हैं कि मदर कैंडल बनने के बाद में अगर नेक्स्ट बेबी कैंडल के बाद में, नेक्स्ट बेबी कैंडल के बाद में अगर एक रेड कलर की कैंडल मदर कैंडल के लो को अगर ब्रेक कर दे तो आप यहां पे अपनी एंट्री कर सकते हो, एज सून एज ये अपने लो को ब्रेक कर दे आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो मदर कैंडल के ऊपर अपसाइड में रख सकते हो जो मदर कैंडल का हाई पॉइंट था, और आप डाउन साइड का ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हो, ये आपको अच्छा खासा बेरिश रिवर्सल दिखाएगा, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, एक सिमुलेशन के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा है और अचानक से एक मदर कैंडल के बाद में एक बेबी कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली मदर कैंडल का लो एंड हाई पॉइंट को मार्क कर देना है, एक बेबी कैंडल बन गई, बेबी कैंडल के बाद में एक रेड कलर की कैंडल मदर कैंडल के लो को तोड़ देती है, सो आपका एंट्री पॉइंट यहां पे होना चाहिए और मदर कैंडल का जो हाई पॉइंट है यहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहां से मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन एक अच्छे खासे डाउन साइड की हो सकती है, सिमुलेशन रन करके देखते हैं, सो कुछ इस तरीके से मार्केट का डाउन साइड का ट्रेड हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट एक अपट्रेंड में है, अच्छे खासे अपट्रेंड में है और अपट्रेंड में एक बेरिश हरामी कैंडल बन जाती है, अच्छा इसे समझने से पहले एक समझना, ये जो फॉर्मेशन है अप ट्रेंड में एक बेरिश हरामी कैंडल बने और डाउनसाइड में ब्रेकआउट दे दे, तो इस पैटर्न को हम लोग थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न भी बोलते हैं। ऑलराइट, बैक टू दिस पैटर्न, सो एक अप ट्रेंड में मदर कैंडल फॉर्म होने के बाद में एक बेरिश हरामी कैंडल फॉर्म होती है, इस छोटे रेड कैंडल को हम लोग बेरिश हरामी बोलते हैं, है ना, याद रखना थोड़ा सा,
लॉजिक के साथ में, अभी तक की अप ट्रेंड में था, रेड कलर की हरामी कैंडल बन गई जो हमारे ट्रेंड को भंग कर दिया, है ना। सो इस तरीके से हरामी का नाम याद रखना। और यहां पे लेकिन इस बार क्या ट्रिक होती है, इस बार क्या होता है, मदर कैंडल का हमने हाई एंड लो तो मार्क कर दिया, लेकिन इस बार क्या होता है, नेक्स्ट ग्रीन कलर का कैंडल बनता है और वो ग्रीन कलर का कैंडल मदर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है यहां पे। तो हम लोग अपना यहां पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो साइड पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन यहां से अपसाइड का रहेगा। सो मार्केट यहां से पॉसिबली अब जा सकता है, यहां पे हमारी एंट्री मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड का होगा। सो ये जो इनसाइड बार कैंडल है इसके लगभग हम लोगों ने 4 से 5 डेरिवेटिव देखे, लेकिन इनसाइड बार कैंडल काम करने के कुछ मैं आप लोगों को नोट्स बता दे रहा हूं। अगर मदर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, तो ये पैटर्न इनवैलिड होगा, समझना इस बात को, ऑलराइट। या तो अगर मदर कैंडल एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन जाए, मतलब अगर मदर कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाए, चलो ऊपर गई नीचे गया मार्केट और वहीं पे आके क्लोज हो गया, कुछ ऐसा क्रॉस डोजी टाइप में बन जाए और फिर एक बेरिश कैंडल बन जाए कुछ इस तरीके से, रेड कलर की छोटी कैंडल बन जाए, है ना, कुछ इस तरीके से, तो आप बोलोगे ये जो मदर कैंडल है इसका ये हाई पॉइंट है, इसका लो पॉइंट है, ये पैटर्न इनवैलिड होगा, ये आपके स्टॉप लॉस खा सकता है। पहला रूल नंबर वन क्या था इनसाइड बार को यूज करने का, रूल नंबर वन था कि जो मदर कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं मैं आपको, मदर कैंडल ऐसी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है, और उसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल बनती है, छोटी सी बनती है कुछ इस तरीके से। सो यहां पे देखो मदर कैंडल का ये हाई हो गया, ये लो हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहां पे क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ट्राई कि जितना मदर कैंडल छोटा हो और उससे भी छोटा उसका बेबी कैंडल हो, उतना छोटा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क उतनी कम रहेगी, तो वो पैटर्न उतने अच्छे तरीके से काम करेगा। सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 22nd पैटर्न, दैट इज कॉल्ड एज 3 White Soldier पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब लगातार 3 बड़ी बड़ी कैंडल बने, 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है ये, और उस कैंडल में लगभग लगभग विक्स ना के बराबर रहे, और रहे भी तो बहुत छोटी सी मिनिमल टाइप में रहे, जिस तरीके से आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, और ये रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेंथ को। बड़ी बड़ी 3 लगातार कंटिन्यू कैंडल बन जाए, दैट इज नथिंग बट द 3 White Soldier। काम कैसे करता है ये, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और अचानक क्या होता है, अचानक से इस डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, मारुबोजू काइंड ऑफ कैंडल, या तो पावरफुल कैंडल जिसकी विक्स बहुत छोटी सी है, नेक्स्ट भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, बल्कि पिछले वाले कैंडल से थोड़ी सी बड़ी बनती है, और तीसरी भी बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, या तो छोटे से विक्स के साथ, मिनिमल विक्स के साथ में, या तो मारुबोजू काइंड ऑफ कैंडल, 3 लगातार 3 मारुबोजू ग्रीन कलर की कैंडल बने। सो इन 3 कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे द 3 White Soldier, और यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अपसाइड की रहेगी। उसका उल्टा होगा हमारा 3 Black Crows, 3 White Soldier का उल्टा 3 Black Crows, ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, अच्छे खासे अप ट्रेंड में, और इस अप ट्रेंड में अचानक से क्या होता है, एक बड़ी सी पावरफुल रेड कलर की कैंडल बनती है, रेड कलर की मारुबोजू काइंड ऑफ कैंडल, या तो अगर विक्स भी है तो बहुत छोटे विक्स के साथ में, दूसरी भी बड़ी रेड कैंडल बनती है, तीसरी भी बड़ी रेड कैंडल बनती है। सो इन कंबाइन 3 रेड कैंडल जो कंटिन्यू बनी, इनको हम लोग बोलेंगे 3 Black Crows, ऑलराइट। इसके बाद में इसकी पॉसिबल डायरेक्शन कहां पे रहेगी मार्केट की, यहां से इसकी पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड में रहेगी। सो दिस वॉज द बेरिश रिवर्सल पैटर्न। सो डेली टाइम फ्रेम में काम में आने वाला कंटिन्यूएशन पैटर्न का हमारा सबसे पहला पैटर्न है अपसाइड टसुकी गैप। ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम में ना, मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे एक दिन का टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट, मतलब एक दिन में बनी हुई एक कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अप साइड में मार्केट जा रहा है बढ़िया से, अप ट्रेंड में मार्केट है, अचानक क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुल जाता है। देखो मार्केट गैप अप भी खुला और ऊपर ही क्लोज हुआ, That shows the might of bulls, कि bulls की strength बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे market ने एक बड़ी सी gap बना दी है, यहाँ पे gap up open होके बड़ी सी gap बना दी, और दूसरे दिन क्या होता है, एक red color की candle आके इस gap को fill कर देती है, ये तो gap बन गई, इस gap को एक red color की candle ने fill कर दिया,
ऑल राइट, गैप फिल हो गया। उसके बाद में दूसरे दिन वापस से ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। नाउ दैट विल बी आवर कंफर्मेशन कैंडल। ये रेड कैंडल सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए आया था, ये ग्रीन कलर का कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल है, तो यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है इसके नीचे में हम लोग लगा सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे अप ट्रेंड के लिए हम लोग ट्रेड को ले सकते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ अपसाइड टसुकी गैप। नाउ इसका उल्टा क्या होगा? हाँ, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल अपसाइड में मार्केट जाएगा। इसका उल्टा है डाउनसाइड टसुकी गैप। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, अचानक से क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है। नाउ गैप डाउन ओपन तो हो गई, लेकिन क्या हुआ, देखो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट में, लेकिन अचानक से क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनके उस गैप को फिल कर देती है ना, फिल कर दी यहां पे, और फिर दोबारा से एक रेड कैंडल बनती है। ये आपका कंफर्मेशन ट्रेड रहेगा, कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। आपने यहां पे एंट्री ली सेल साइड के लिए, स्टॉप लॉस आपने इस रेड कैंडल के ऊपर में लगाया, या तो ये ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर लगा सकते हो और आप अच्छे खासे सेल साइड के ट्रेड के लिए यहां पे बैठ सकते हो। ये यूजुअली स्विंग ट्रेड के काम में आता है, डेली टाइम फ्रेम के ट्रेड को, ट्रेंड को समझने के काम में आता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है, अप साइड का ट्रेंड है, तो आप इंट्राडे में भी जो भी ट्रेड्स को देखोगे वो सारे बुलिश ट्रेड, मतलब अप साइड के ट्रेड को ही देखोगे, सेल साइड के ट्रेड्स को नहीं देखोगे। ऑन द अदर साइड, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप हमेशा इंट्राडे में भी सेल साइड के ट्रेड्स को ही प्लान करोगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि बहुत अच्छा, जो कि हमारे आखिरी पैटर्न्स रहेंगे जो डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अब जो अपसाइड टसुकी गैप था और डाउनसाइड टसुकी गैप था, अगर मान के चलते यही कंडीशन हो, लेकिन इस कंडीशन में कोई भी मार्केट की गैप फिल ना हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे राइजिंग विंडो। ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, और अचानक से मार्केट गैप अप खुल जाता है, दैट शोज द पावर ऑफ बुल्स, और उसके बाद में मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर चलने लगता है। सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहां पे देखना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, इसे ब्रेक अवे गैप भी बोलते हैं। मार्केट अगर कभी वापस से नीचे आया, तो इस लेवल से दोबारा से ऊपर चला जाएगा मार्केट। सो यहां पे एक सपोर्ट की तरह काम करता है मार्केट, और इसीलिए दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज द राइजिंग विंडो पैटर्न। एक बहुत पावरफुल पैटर्न है जो मार्केट को एकदम ऊपर साइड में ढकेल देता है। इसका दूसरा उल्टा क्या होगा राइजिंग विंडो के अगेंस्ट में? फॉलिंग विंडो का पैटर्न हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, और अचानक से एक गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, और गैप डाउन ओपन होके नीचे ही क्लोज करता है। देखो क्या हुआ, मार्केट यहां पे ओपन हुआ और नीचे ही क्लोज कर दिया, तभी तो रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई ना। यहां पे लास्ट टाइम मार्केट क्लोज हुआ था, इतनी बड़ी गैप फॉर्म कर दी है मार्केट ने। सो दिस गैप इज कॉल्ड एज डाउनसाइड विंडो। एंड ये डाउनसाइड विंडो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां से तो मार्केट नीचे ही जाएगा विदाउट फिलिंग एनी गैप, लेकिन ये डाउनसाइड विंडो का क्या काम हो सकता है, मार्केट अगर कभी घूम के वापस से इस गैप की तरफ आता है, तो इस गैप से दोबारा से मार्केट नीचे उतर सकता है। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न। हम लोगों ने देखे राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो। सो ये डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन पैटर्न को दर्शाता है, और आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को समझना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल हमारे डिसीजंस हो जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे डाउनसाइड मार्केट है, तो हम लोग इंट्राडे में भी हमेशा डाउनसाइड के ट्रेड्स को देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अपसाइड में है, तो हमेशा हम लोग अपसाइड के ट्रेड्स को ही देखेंगे। लेकिन अभी तक के हम लोगों ने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, ये हो सकते हैं कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके हम लोग अपनी एंट्री एग्जिट्स को प्लान करेंगे, दैट इज नॉट वाइज डिसीजन। ये हो सकता है थोड़ा काम करे, कभी कभार उतना काम ना करे। सो इसकी इफिशियंसी को 5000% बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट टू क्लासेस हम लोग लेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ वैल्यूज। उस एरिया ऑफ वैल्यूज पे, पर्टिकुलर किसी एरिया पे, अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे,
5000% ये काम करेगा, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। सो इसीलिए हम लोगों ने अभी आधा सीखा है। अभी से आप लोग अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट को प्लान करना शुरू मत कीजिए, दैट वॉज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। इसके नेक्स्ट दो क्लासेस में जब हम लोग एरिया ऑफ वैल्यूज को निकालना सीख जाएंगे तब आप अपना स्टॉक मार्केट में एंट्री को प्लान कर सकते हो। और एक बात मैं आप लोगों को नोट के लिए बता दू, जितने भी हम लोगों ने पैटर्न्स को पढ़ा, दैट इज प्योर प्राइस एक्शन। ये सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे आप इक्विटी स्टॉक ले लो, चाहे आप कमोडिटी मार्केट ले लो, चाहे क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, चाहे कोई इंडेक्स हो, हर जगह पे काम करेंगे। जहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो और वहां पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न दुनिया में हर जगह पे काम करते हैं, आप कहीं पे भी इनका यूज कर सकते हो और बढ़िया पैसे बना सकते हो। सो इसी के साथ हम लोग अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करेंगे, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आज हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा उनको हम लोग एक बार बैकटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ एक होमवर्क भी है। आपको क्या करना है, आपको खुद से निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक हो गया या फिर कोई क्रिप्टो या फिर कोई फॉरेक्स का चार्ट हो गया, उसे ओपन करना है। और आज हम लोगों ने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का बैक टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि यार सच में ये काम करते कि नहीं, और खुद से एक बार प्रैक्टिस देनी है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न सच में किस तरीके से काम करती है, कितनी बार काम करती है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को खुद से भी स्टडी करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज राम कडे, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। मैंने अभी तक कभी नहीं बोला लेकिन आज पहली बार बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो इस YouTube चैनल को, नहीं करोगे सो करोड़ों का लॉस आप लोगों का हो सकता है। सो टिल देन यू पीपल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ बैक टेस्टिंग। साइनिंग ऑफ।